गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक ठाक हों। अभी बढ़िया ही हूँ। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ बाइकिंग ड्रिल्स। आज थोड़ा लेट उठे हैं हम लोग, 8:30 के आसपास। अब सब रेडी हो गए हैं, वो लोग गए हैं नाश्ता करने। मुझे भूख नहीं है, पेट में कुछ मतलब हैवीनेस फील हो रही है, तो खाना नहीं खा रहा है अभी। कुछ लिक्विड पीऊँगा, उसके बाद चलते हैं बाहर। आज यहाँ आसपास होके आएंगे, फोर्ट है और कुछ गार्डन है, आई थिंक कोई म्यूजियम भी है, तो वहाँ देख के आते हैं। एक जगह और है जो दिखानी है, पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो मैं बता दूँ और वो जगह बंद हो। जहाँ तक मुझे लगता है बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है, आधे बंदों को तो पता ही नहीं है। मुझे भी कहीं से पता लगा है, कुछ देखा इंटरनेट पे, कुछ यहाँ वहाँ से, तो ट्राई करूँगा कि आज वहाँ पे होके आऊँ। बाकी आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखो क्या बढ़िया व्यू आता है, सीनरी देखो, सामने तो पहाड़ है। चलो दिखाता हूँ। ये रोड है सामने, कल हम इसी रोड से आए थे, आगे गए, यू टर्न मारा, फिर इधर नीचे बस स्टैंड है। अब लोग आ जाए एक बारी, तब चलते हैं बाहर। निकल गए हम लोग, अभी हम लोग जा रहे हैं हरिनिवास। हरिनिवास है, बाहू फोर्ट है और एक बालाजी टेम्पल है। राय में बेस की तीनों चीजें कवर हो जाए। छोटी छोटी बसेस यहाँ पे बहुत सारी होती हैं भाई, जैसे अपने वहाँ आरटी भी चलती है ना वैसे। ये गाड़ी की आगे देख रहे हो, ऑटो लगता है, वहाँ कुछ पंगा हुआ है। अभी दूर से दिख रहा था पुलिस वाले थे और लोगों की भीड़। हाँ ये देखो कितने लोग हैं, शायद एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, पुलिस वाले भी हैं। ये देखो पेड़ कैसे मस्त लग रहे हैं, आगे गंजे और रंग बिरंगे, सब पे वाइट पेंट हो रखा है। हम लोग थोड़ा सा रॉन्ग आ गए, हमें पीछे की तरफ जाना है, हम उधर ही जा रहे हैं। ये रास्ता है जाने का। नाउ लेट्स सी, पार्किंग ऊपर है कि नहीं है। गाड़ी तो खड़ी है यार, जाके देखते हैं। क्या बढ़िया बना हुआ है भाई, सी जबरदस्त। अमर महल, ये टिकट और टाइमिंग की इन्फॉर्मेशन है। 50 रुपए की नॉर्मल टिकट है और अगर आप टिकट लेते हो 125 रुपए की, तो उसमें आप रानी का रूम देख सकते हो और उनकी पुरानी चीजें भी देख सकते हो। I am the additional director of this museum and library. Okay. I am Colonel retired Sudeep Mathur. Okay, thank you, sir. Nice to meet you. Not at all. Great pleasure to have you. My Ranjit father Singh used to tell me, but yes, there's nothing much more mentioned in the book. That's right. Absolutely. But the Gilgit and Baltistan. This, about this location about him, I Funza Valley. Yes. I heard from my father. He's also IB retired now. Okay. So just imagine, he struggled and about that Zorawar Singh was a general, army general, right, who captured him. Then Ranveer Singh ji usko pakad karke rakhe, uske bete Pratap Singh ji ne usko pakad karke rakha, angrezo ko allow nahi kiya, sikho ko allow nahi kiya, idhar koi nahi aaya to take away the treasures of Jammu and Kashmir. Phir, then unke vanshaj, phir ye Maharaja Hari Singh, he was very strict, he was very adamant, very dynamic personality. He said no chance. No, ये मेरा स्टेट है तो आई विल कंट्रोल इट, यू हैव गॉट नो कंट्रोल। ब्रिटिशर्स को बता दिया, लीज पे दिया, बोला लीज पे दे रहा हूँ लेकिन ये लैंड आपकी जागे नहीं है, मेरा है। आप सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए हो। दैट इज हाउ ही वाज। एंट्री मारते के साथ ना गैलरी है, ये देखो यहाँ पे कितनी सारी फोटोज लगी हुई है। देखो प्री हिस्ट्री एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ जम्मू। महाराजा रणवीर सिंह, ये महाराजा प्रताप सिंह है, फोटोज लगी है कितनी पुरानी। प्रेस देख रहे हो, ये देखो इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस कितनी पुरानी है।
इनकी ज्वेलरी देखो आप, ये सिंहासन 120 किलो का है और पूरा सोने का है, बट फोटोज दिख रही हैं यहाँ से, आई मीन बाहर से देख सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं। ये देखो यार, इसका बैक साइड का व्यू है, कितना ही बढ़िया लग रहा है भाई। यहाँ पर ये ठीक, इसके सामने ये व्यू, थोड़ा मौसम अच्छा हो ना भाई, जबरदस्त लगेगा यार ये। भाई बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तर बतर हो रखे हैं, पसीना ही पसीना। बाकी यहाँ पे पब्लिक देखो, एंजॉय भी बहुत आ रहा है, ध्रुव के लिए कोई गर्मी नहीं है। और ये देखो, ये दोनों इधर है, ध्रुव के लिए कोई गर्मी नहीं है, भागे जा रहे हैं। यहाँ पेंटिंग्स हैं, इस रूम में बहुत सारी पेंटिंग्स है भाई, ये देख रहे हो आप, इतनी सारी। यहाँ पर फोटोज लगी हैं बहुत सारी, इनकी क्या हिस्ट्री है, ये कौन है आपको बताता हूँ। महाराजा गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, तो उनके तीन बेटे हैं वो, प्रताप सिंह, राम सिंह, अमर सिंह, उनके बेटे वो हरी सिंह, उनके बेटे हैं डॉक्टर करण सिंह, और ये इनकी वाइफ है, ये नेपाल से थी, ये शोराज, ये महारानी तारा देवी है, रानी तारा देवी, ये रानी का रूम है, मतलब के लास्ट में रानी ही रही है, यहाँ की पेंटिंग बनाई है, ये सरदार सोभा सिंह हिमाचल से बड़े फेमस पेंटर हैं, उन्होंने कल्पना से, ये पेंटिंग सारी उन्हीं की है, ये पेंटिंग उन्होंने बनाई है, ये महारानी ऐसे ही ड्रेस में पूजा करती थी, ये पूजा का सामान, ये मूर्तियाँ, ये चांदी की थाली, जोत वगैरह, ये सब उस टाइम का, सैंडलवुड से तिरुपति बालाजी का, और 1967 में एक्सपायर हुई। तो रेनोवेशन भी इसकी होती होगी कुछ ना कुछ? हाँ, पेंट वगैरह होता है, बाकी ऊपर का जो डिज़ाइन, ये सब फ्रेंच है ना, ये 1863 का बना है। ये बेड भी रानी का ही है, बेड ही रानी का है, अकेली तो रहती थी, इसके ये लेग्स जो है इससे पाई चांदी की, बाकी कोई खाट है साथ, ये पीकदान है साथ में। अच्छा, समझ गया, बाकी बिस्तर वही है, फैन भी वही है उसी टाइम का फैन, ये भी बाहर से है, ये नीचे बारह सिंगा का हंट किया, एक महारानी ने किया, एक महाराजी महारानी, फैन अभी भी चलता है, इतना पुराना फैन बट स्टिल वर्किंग। सिल्वर है सारा? ये सिल्वर, प्योर सिल्वर है। और ये? ये गोल्ड का ऊपर छोटा छोटा बटन है। अच्छा, गोल्ड प्लेटेड होगा ना? हाँ। ये भी यहाँ से? हाँ। उसी टाइम का है सारा? थाईलैंड से, हाँ। 150 साल पुराना कारपेट, ईरान का, ये रानी का ड्रेसिंग टेबल। हाँ, इसको मतलब के कीड़ा नहीं खाता है, सर्दी गलती। अखरोट की लकड़ी है ना ये? ये ब्रश है, हैंड मिरर है, नेल फाइलर है, शू ऑन जूते का, सभी कुछ रखा हुआ है। और ये मिरर बेल्जियम से उस टाइम के है। सी रेडियो, इतना पुराना, ये सब उसी टाइम के हैं। ये देखो फोटोज लगी है उस टाइम की, जो बचा है उनको केमिकल लगाया है। ये ड्रेसेस रानी की, रानी के, ये देखो ये फर वाला कोट जो है, इसमें ये फोटो भी है ये, और ये गोटा पट्टी, गोटा पट्टी में ये फर वाली देख रहे हो, ये ड्रेस है अभी, ये जरी का है, ये दी। ये देख लो जूते चप्पलें रानी की, संभाल के रखी हुई है, ये पर्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे, ये बाथरूम है रानी का, ये मिरर देखो इतना पुराना, ये बाथ तब भी अभी कितना चमक रहा है, अच्छा लग रहा। ये देखो सामने परफ्यूम, ये भी रानी जी के हैं, ये सारा सामान रानी का है। ये परफ्यूम देखो शिनाइल का उस टाइम का, और ये साबुन, ये भी रानी का है, इतना पुराना। रानी के रूम में एंट्री से पहले पेंटिंग्स लगी है इतनी सारी, ये देखो है ना अच्छी। तो ये था अमर सिंह पैलेस,
इसको बना दिया म्यूजियम, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया है। अभी लेफ्ट में है हरी सिंह पैलेस, जो बन गया होटल। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये है हरी सिंह पैलेस जो कि अब बन गया है होटल। और ये था जहाँ हम लोग होके आए हैं, अमर सिंह पैलेस कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम। म्यूजियम के ठीक सामने ना ये छोटा सा पार्क भी है। मैं गाड़ी में आके बैठ गया हूँ, एसी ऑन कर दिया, वो लोग आ रहे हैं, आ गए। जब म्यूजियम में आते हैं ना भाई, गॉड ग्रीनरी इतनी ज्यादा है, इतना अच्छा लगेगा आपको। सामने देख रहे हो छोटा सा पार्क, पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, बंदर बहुत सारे हैं। अभी ये लोग यहाँ पे बम फोड़ रहे थे बंदर भगाने के लिए। ये इसका एंट्री गेट है और एग्जिट गेट भी। अब चलते हैं भाई होटल, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। ये जहाँ से बाइक आई है ना, यहाँ से एग्जिट और एंट्री गेट है अमर महल का, बोले तो म्यूजियम का। और यहाँ से बाहर आके अगर उधर जाएंगे टूवर्ड्स राइट, ये रोड जाएगी नगरोटा कटरा, जो कि माता वैष्णो देवी का है, जहाँ से माता वैष्णो देवी की चढ़ाई होती है, कटरा पटनीटॉप ले श्रीनगर। और अपने को जाना है लेफ्ट, यहाँ तो मैं रुका था ये दिखाने को। अब चलते हैं होटल, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। अभी खाना खाने आए हैं यहाँ पे, खाना खजाना, शक्ल बिगड़ गई ना सारी, स्वेटिंग पसीना।